हेलो फ्रेंड्स, एमएस कोडर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे और आज जानेंगे हम एरे के बारे में कि एरे क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एरे क्या होता है। देखिए, जैसे हम अब तक हमने जाने कि वेरिएबल के अंदर हम कोई भी वैल्यू को स्टोर करके रखते हैं। जैसे हमारे पास एक वेरिएबल ए है, इसके अंदर हमने स्टोर करके रख दिया 10। इसी तरह से एक वेरिएबल हमें एक और लिया, हमने बी लिया और इस बी के अंदर भी हमने कुछ ना कुछ वैल्यू असाइन करके रखना है। इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल नंबर हैं जिनको हमें स्टोर करके रखना है। तो इस तरह से अगर हम हर वेरिएबल नंबर के लिए अलग अलग वेरिएबल बनाते जाएंगे तो जो हमारा प्रोग्राम होगा, प्रोजेक्ट होगा, वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं, एक एरे बनाते हैं और एक सिंगल वेरिएबल के अंदर हम बहुत सारे नंबर को, बहुत सारे वैल्यू को स्टोर करके रख सकते हैं। तो यही डेफिनेशन होती है एरे की, कि जो एरे होता है वो सिमिलर टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं, नंबर होते हैं, उनका कलेक्शन होता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने 10 और 20 दो वैल्यू ली है, दो नंबर लिए हैं और उनको स्टोर करके रखने के लिए हमारे पास दो वेरिएबल की ज़रूरत पड़ी, तो हमने दो वेरिएबल यहाँ पर ले लिए। अगर हम ये चाहते हैं कि इन दोनों वैल्यू को एक ही वेरिएबल के अंदर हम स्टोर करें तो उसके लिए हम एरे को यूज़ करते हैं, क्योंकि हम एरे के अंदर बहुत सारे वैल्यू यानी कि एलिमेंट सेम टाइप के हम स्टोर करके रख सकते हैं। सेम टाइप का मतलब क्या है कि अगर हमने कोई एरे इंटीजर टाइप का बनाया है तो उसके अंदर केवल इंटीजर टाइप के ही नंबर को हम स्टोर करके रखेंगे। तो चलिए इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझ लेने की कोशिश करते हैं। इसका सिंटैक्स क्या होगा, सबसे पहले हम डेटा टाइप लेंगे कि हम एरे को किस तरह का एरे बनाना चाहते हैं, किस टाइप के जो डेटा होंगे वो एरे के अंदर स्टोर करेंगे। दूसरा, हम यहाँ पर लेते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, इस तरह का आपको स्क्वायर ब्रैकेट लेना है और फिर इसके बाद आपको अपने एरे का नाम ले लेना है कुछ भी। और यहाँ पर इस तरह से आप न्यू कीवर्ड लोगे और यहाँ पर आप इंट लोगे और फिर इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पर आप साइज भी मेंशन कर दोगे। अब यहाँ पर देखें, एक एरे बनकर तैयार हो गया है और यहाँ पर हमने साइज बता दिया कि जो एरे है इसके अंदर हम 5 एलिमेंट को स्टोर करके रख सकते हैं। इसको बोलते हैं हम इनिशियलाइजेशन, सॉरी डिक्लेरेशन। अब एक तरीका और होता है कि हम, एक तो तरीका यह है कि इस तरह से हम पहले एरे को डिक्लेयर करें और उसके अंदर हम वैल्यू को असाइन करें। अब वैल्यू को असाइन करने का तरीका क्या होगा, देखिए जब भी हम एरे बनाते हैं तो एरे की जो साइज होती है वो इंडेक्सिंग बेस पर होती है। मतलब यहाँ पर जैसे 5 एरे का साइज हमने 5 लिया है तो एरे के अंदर जो एलिमेंट्स स्टोर किए जाएंगे वो इंडेक्स के बेस पर स्टोर किए जाएंगे। जैसे हम वैल्यू को असाइन करके देख लेते हैं, जैसे हमने बताया कि एरे का जो इंडेक्सिंग 0 है उस पर हमें वैल्यू असाइन करके रखनी है 10। इसी तरह से हम ले लेते हैं कि जो एरे के इंडेक्स 1 है वहाँ पर 20 ले स्टोर करके रखना है हमको, और जो एरे के इंडेक्स 2 है वहाँ पर हमें 30 करके रखना है, और जो 4 है एरे का इंडेक्सिंग वहाँ पर हमें कितना स्टोर करके रखना है, जो एरे का यहाँ पर इंडेक्स 3 है यहाँ पर हम 40 स्टोर करके रखते हैं। इसी तरह से जो एरे का इंडेक्स है यहाँ पर 4, यहाँ पर हम 50 स्टोर करके रखते हैं। अब यहाँ पर देखें कि एरे की जो इंडेक्सिंग होती है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से चलती जाती है। अगर आपको एरे की जो वैल्यूज़ हैं इनको प्रिंट करना है तो सिंपल है बहुत ही, यहाँ पर आप इस तरह से कंसोल डॉट राइट लाइन को यूज़ करोगे और यहाँ पर अपने एरे का नाम लोगे और किस इंडेक्स की वैल्यू को आपको स्टोर शो कराना है, प्रिंट कराना है, उसको इस तरह से जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके अंदर आपको अपने इंडेक्स का नंबर देना है। जैसे मुझे तीसरे नंबर पे जो भी वैल्यू स्टोर की हुई है उसको मुझे प्रिंट कराना है, तो इस तरह से हम सिंपली इसको प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो एरे का इंडेक्स नंबर 3 है वहाँ पर हमने 40 को स्टोर करके रखा हुआ है। ये पहला तरीका होता है कि एरे को पहले आप डिक्लेयर करें और डिक्लेयर करने के बाद आप उसके अंदर वैल्यू को इनिशियलाइज करके रख लें। अब यहाँ पर देखें, हम इसका दूसरा तरीका भी देख लेते हैं कि हम एरे को इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं विद डिक्लेरेशन। मतलब हम पहले डिक्लेयर कर रहे थे फिर इनिशियलाइज कर रहे थे, अगर हम ये चाहते हैं कि डिक्लेरेशन के साथ ही हम इनिशियलाइज करें तो यहाँ पर क्या होगा, डेटा टाइप लोगे आप और इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट लोगे और एरे का नाम लोगे और यहाँ पर इस तरह से आप कर्ली ब्रैकेट लोगे और इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप जितने भी नंबर एलिमेंट स्टोर करके रखना चाहते हो उतने ही आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हो। यहाँ पर आपको साइज देने की ज़रूरत नहीं है।
अब यहाँ पर ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये हमेशा डेटा टाइप के साथ आता है। अगर आप इसको यहाँ पर यूज़ कर लोगे, मतलब एरे के नाम के साथ यूज़ कर लोगे, तो ये कंपाइल टाइम पे एरर देगा। आप इसके एरर को भी देख सकते हो कि एरर में ये क्या दे रहा है। तो आप इस तरह से आपको ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये हमेशा डेटा टाइप के साथ ही यूज़ करना है। अब यहाँ पर एक और होता है कि अगर आपकी जो वैल्यूज़ हैं उनको आप चेंज करना चाहते हो, जैसे इसका जो यहाँ पर ये है इंडेक्सिंग है वो कितनी है, 0 है। अगर आप इस 0 इंडेक्स पर जो भी वैल्यू है उसको चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज भी कर सकते हो। जैसे एरे लोगे, स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पर इंडेक्स नंबर लोगे और यहाँ पर आप वैल्यू डाल दोगे। तो यहाँ पर देखिए, पहले एरे की जो इंडेक्सिंग 0 है वहाँ पर वैल्यू 10 है, और अब यहाँ पर वैल्यू कितनी हो गई है, 22 हो गई है। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकल करके भी देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू चेंज हुई है या नहीं। तो इस तरह से हम 0 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू रखी हुई है उसको देखेंगे, और यहाँ पर भी हम 0 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू रखी हुई है उसको हम टेस्ट कर लेते हैं। तो चलिए इसको हम रन करते हैं, प्रोग्राम को देखते हैं रन करने के बाद इसका आउटपुट क्या आता है। तो आप देख सकते हो कि पहले 10 आ रहा है, फिर 22 आ रहा है। 22 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर वैल्यू को इसको चेंज कर दिया है। अगर आप यहाँ पर जैसे हमने वेरिएबल का टाइप लिया है इंटीजर टाइप का, अगर इसके अंदर आप दूसरी वैल्यू स्टोर कराओगे तो यहाँ पर ये आपको एरर देगा। देख सकते हो कि यहाँ पर ये कंपाइल टाइम पे एरर दे रहा है। एरर क्या है, कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप डबल टू इंट। यानी कि अगर आपने यहाँ पर इंटीजर टाइप से लिया है तो आपको यहाँ इंटीजर टाइप की ही वेरिएबल डिक्लेयर एलिमेंट लेने पड़ेंगे। इसी तरह से हम स्ट्रिंग टाइप के, कैरेट टाइप के, डबल टाइप के भी यहाँ पर हम एरे ले सकते हैं। जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप यहाँ पर एरे को यूज़ कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स।